हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, है ना, वो किस हाल में हैं। ठीक, वो किस हाल में हैं आपसे दूर जाने के बाद, नो कांटेक्ट में जाने के बाद, उनका क्या हाल है आपके बिना। तो ये हमारा रीडिंग का टॉपिक रहेगा। इस रीडिंग में हम टोटली देखेंगे कि क्या हाल चाल है उनके, किस सिचुएशन में है वो, किस एनर्जी में है वो, क्या कुछ चल रहा है उनके ज़िंदगी में, ये चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, और पॉजिटिव रह करके ये रीडिंग को देखिएगा, फोकस होकर के देखिएगा। आपसे यही जो है होप रखती हूँ कि हाँ, आप लोग पॉजिटिव होकर के देखेंगे और इस रीडिंग को क्लेम भी करेंगे, और आप लोगों ने अभी तक लाइक भी कर दिया होगा, क्योंकि यूनिवर्स को जो है आपको मैसेज पहुँचाना है अपना, तो फटाफट करके लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके ओके ओके, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, किस हाल में है वो? तो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, पहला कार्ड। ओके, द लवर्स की एनर्जी है। यहाँ है मेरे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है मेरे पास द हैंग मैन। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो किस हाल में है वो जानना चाहते हैं आप? चलिए मैं आपको बताऊंगी आपका भी हाल चाल कि आप किस हाल में हैं, लेकिन सबसे पहले आपके पार्टनर की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किस हाल में है? सो जो चीज़ें होंगी वो क्लियर बताऊंगी, घुमा फिरा के बात नहीं करती हूँ मैं, तो क्लियर बताऊंगी मैं। तो यहाँ की एनर्जी सबसे पहले बता रही है कि इनकी हो गई है किसी से दोस्ती। ठीक है, किसी से हो गई है इनकी दोस्ती, और ऐसी गहरी दोस्ती हुई है कि इनका लव एंगल भी चल रहा है। आपके जो पार्टनर हैं आपसे दूर जाने के बाद, नो कांटेक्ट में जाने के बाद, इनके अंदर ऐसी एनर्जी आई है, या पर्सन ये पर्सन किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, एंड ये पर्सन की ज़िंदगी में आ चुका है कोई कोई नया पर्सन, जिसके साथ इस पर्सन की काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हुई है। आपसे सेपरेशन में जाने के बाद यहाँ पे दिखता है, आपसे नो कांटेक्ट में जाने के बाद ये पर्सन काफ़ी अकेले हो गए थे, काफ़ी अकेलापन हो गया था इस पर्सन की ज़िंदगी में, काफ़ी अकेलेपन में ये पर्सन जीने लगे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये अकेलापन इनको कैसे कैसे डुबोए जा रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी ज़्यादा लो होती हुई दिख रही है, इतना ज़्यादा ये पर्सन मतलब डिस्टर्ब हो गए थे आपसे नो कांटेक्ट में जाने के बाद। आफ्टर नो कांटेक्ट आपके पार्टनर को काफ़ी शॉक लगा, काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा, क्योंकि ये पर्सन ने सोचा बिल्कुल भी नहीं था कि आपसे अलग होंगे। चाहे जो भी कारण रहा, इन्होंने ब्लॉक किया या आपने ब्लॉक किया, लेकिन जो भी हुआ अचानक अचानक हुआ, और अचानक अचानक इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने के बाद से आपके पार्टनर हो गए पूरे के पूरे अकेले। बहुत अकेलापन हो गया आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत खालीपन है। आपके पार्टनर को ये तक लगने लगा कि यार अब मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है,
ये बहुत अकेले हो गए थे और तभी इनके ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन मिला जो कि इनके साथ आने लगा, यानी कि इनसे बात करने लगा। अब जो है ये पर्सन की एनर्जी ऐसी आ गई है कि ये पर्सन एज अ फ्रेंड ही सही लेकिन बातें कर रहे हैं, ये पर्सन एज अ फ्रेंड ही सही लेकिन बातें कर रहे हैं क्योंकि इनको कोई तीसरा पर्सन मिल चुका है और उस तीसरे पर्सन के साथ ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन काफ़ी स्टक हैं क्योंकि प्यार आप हो और इनके साथ इनकी जो दोस्ती बढ़ रही है ये कहीं ना कहीं बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ रही है ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि इनके ऑफिस का ही कोई कलीग भी हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनके कोई ऑफिस का कलीग हो सकता है जिसके साथ इस पर्सन की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाने के बाद से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। इनके अंदर ऐसा हो चुका है ना, जिसे कहते हैं ना कि जब एक बार इंसान को ठोकर लगती है ना तो वो संभल जाता है। रास्ते में ठोकर लगती है तो इंसान देख देख के चलता है कि कहीं फिर से मुझे दोबारा ठोकर ना लग जाए। आपके पार्टनर की भी एनर्जी ठीक वैसी ही है, धीरे धीरे अपने आप को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन काफ़ी संभल के चल रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, उसकी कदर है। लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए हैं और ये पर्सन ने अभी डिसीजन नहीं लिया है कि ये पर्सन पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाएंगे या अभी भी आपका वेट करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिखती है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर इन और आउट बड़ा किया करते थे आपकी लाइफ में, हमेशा इन और आउट, हमेशा आना जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न था, इनके पास ऑप्शंस थे। ठीक है, लेकिन सीरियस आपके साथ थे ये पर्सन। सीरियसनेस, जितनी भी सीरियसनेस थी वो पूरी की पूरी आपकी तरफ थी, लेकिन इनके पास ऑप्शंस थे। कहते हैं ना, गुस्से में ना कभी कभी आदमी अपना आपा खो जाता है। आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो कि मुझे दिख रही है कि ये पर्सन के अंदर घमंड हो गया। घमंड की वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, यहाँ पे ईगो इस पर्सन को, और ये पर्सन सोचने लगे कि क्या इसके साथ मुझे जाना सही रहेगा या फिर कोई नया पर्सन ढूंढूं मैं। मन ही मन ये पर्सन ढूंढ रहे थे नया पर्सन, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन को पता था कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ज़्यादा रिलेशनशिप ये टिकने वाला नहीं है। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अपना माइंड चेंज कर लिया था और आपसे ब्रेकअप के बहाने ढूंढ रहे थे या ब्रेकअप सच में करना चाह रहे थे क्योंकि इनको मूव ऑन करना था कहीं और। तभी तो इस पर्सन को नया पर्सन मिल गया है और उसके साथ बड़े बड़े टाइम, यानी कि बहुत अच्छा खासा टाइम ये पर्सन गुजार रहे हैं। जैसे कि लव बर्ड्स होते हैं वैसी ही एनर्जी यहाँ पे भी आती हुई दिख रही है। एंड मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस थर्ड पार्टी से बात करने में। मैं ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं तो आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपकी यादों में बीमार पड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बड़ी आसानी से इन्वॉल्व हो गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी को ये पर्सन देख रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन डील कर रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ये पर्सन अभी भी जो है आपके बारे में सोचते हैं। नो डाउट, ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या अपना जो फर्स्ट स्टेप है ये पर्सन ले नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी, इनके बारे में भी सोचने पे आपके पार्टनर मजबूर हो जा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, ये भी तो है, इससे मेरा काम हो रहा है या इससे मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, तो मैं एक दूसरे के पास कैसे जाऊँ, है ना। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये फ्रस्ट्रेशन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन आपके पार्टनर को निकालनी है। ये फ्रस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अपने आप को बिजी रखें ताकि आपकी याद ना आए, एंड ये पर्सन बड़ी आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे।
ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर के अंदर की, ये एनर्जी है ठीक है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं ठीक, आपके पार्टनर की स्थिति है। अब आपकी एनर्जी की बात करते हैं, आप किस एनर्जी में हो, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डेविल की एनर्जी है, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के बगैर किस सिचुएशन में है। सेवन ऑफ वॉन्ट्स, यहाँ मेरे पास डेथ की एनर्जी, मुझे एक सॉन्ग यहाँ पे चैनल हो रहा है, वो है मैं चाहूँ तुझे किसी और को तो चाहे यारा, ये प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा। सॉरी सॉन्ग का मुझे पूरा याद नहीं है और मेरा गला भी आज ठीक नहीं है, सो मैं नहीं गा पाऊँगी, आप लोग सुन लेना। ओके डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। एट ऑफ कप्स, यह है मेरे पास सेवन ऑफ कप्स। ओके बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आपकी एनर्जी क्या बता रही है मुझे, आपकी एनर्जी जो है ना गजब की एनर्जी बता रही है। गजब की एनर्जी, दीदी कैसी बात कर रही हो, गजब की एनर्जी कैसी बता रही हूँ आपको। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हो, बहुत परेशान, रात को बहुत गंदे सपने आते हैं आपको, बहुत बुरे सपने आते हैं आपको, आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ हावी हो गया है, या आपको किसी की आवाज़ भी सुनाई देती है, कभी कभी होता है, सपने में भी होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बताती है कि हाँ आप कहीं ना कहीं इतने फ्रस्ट्रेट हो या इतने ज़्यादा डर गए हो, इतने अकेले हो गए हो कि अब आपको लगता है कि अब आपका जीना मुश्किल है, बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गए थे। जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था ना, आपके पार्टनर और आपके बीच का आपने सोच लिया था कि कोई तो तीसरा पर्सन है या फिर इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है जिसकी वजह से ये मुझसे दूर हो गया है या हो गई है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कि अब आप उस रिश्ते को अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अकेले सर्वाइव करना अब आपके आपके हाथ में नहीं है। ये आसान नहीं है कि आप किसी भी रिश्ते को बड़े आसानी से हैंडल कर पाओ, नो नेवर, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा ना, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो कुछ, ठीक है, अगर आप अपने रिश्ते को सही नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं यहाँ पे ख़त्म हो करके फिर से स्टार्ट आप करना चाहते हो, है ना, आप करना चाहते हो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, काफ़ी मुश्किलें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी है। देखो आपके अंदर बदलाव बहुत हुआ है, जब से आपका ब्रेकअप हुआ है ना तब से आपने अपने आप में बदलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपको जो ये निगेटिविटी आ रही थी, जो चीज़ें आ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं आपने वर्क किया है, और आपने कहीं ये भी डिसीजन लिया है कुछ लोगों ने कि आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए क्योंकि आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया है, आपको पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके रिश्ते में इतनी बड़ी दरार आई है, थर्ड पार्टी की वजह से ही रिश्ते में काफ़ी कुछ जो है प्रॉब्लम्स आई हैं, यहाँ ऐसा लगता है। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपका जो रिश्ता है, देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपके साथ जो है न्यू बिगनिंग करने के लिए आया, मतलब देखो आपके पार्टनर के अंदर दिखता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर क्या दिख रहा है, आपको पेन हो रहा है यहाँ पे, आपको अपने अंदर इतना पेन समझ में आ रहा है कि आप अपनी, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम करने के लिए भी तैयार हो गए थे, यानी कि कुछ लोग इतना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे कि सुसाइड तक करने को रेडी हो गए थे कुछ लोग, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें अपने मन में ख्याल मत लाया करिए, कोई ज़िंदगी से चला जाता है इसका मतलब कि उसका हमारा यहीं तक साथ था, उसकी वजह से अपनी जान देना बेवकूफ़ी है,
ठीक है, जो लोग कि यहाँ पे कुछ लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे थॉट्स आए ना, जब आप सॉन्ग सुने, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए, ठीक है। माइंड को उस समय डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, तो ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने किसी ना किसी से गाइडेंस ली है, किसी टैरो रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर से, या आपने खुद ही अपनी ही इनर हीलिंग करी है। आपको खुद पता है कि आपको अपनी हीलिंग कैसे करनी है, क्योंकि आपको सारी बातों का एहसास हो गया है कि ये पर्सन मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है या आप खुद, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी बताती है कि आपने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है, मन ही मन अपना मन आपने बना लिया है कि मैं ये चीज़ें तो करके ही रहूँगी या रहूँगा, क्योंकि आपने ना अपने रास्ते अब खोल लिए हैं। अब आपने सोच लिया है कि यहाँ से आपको मूव ऑन कर जाना है, इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में जो है आपको आपके पार्टनर एज अ ऑप्शन देखते हैं, तो आप ऑप्शन हो क्या? आपकी इतनी वैल्यू कम है कि आप ऑप्शन की तरह रहोगे अपने पार्टनर की लाइफ में, है ना? आपकी वैल्यू इतनी कम नहीं है ना, आपकी वैल्यू तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, इतनी है कि कोई दे नहीं सकता है। और आप अपनी वैल्यू को गिराओगे इस पर्सन के सामने, ये आपको समझ में आ गया है कि नो, मैं स्पेशल हूँ और मेरे लिए जो है स्पेशल बंदा या बंदी जो भी होगा वो होगा, मैं इसके लिए मरने वाला नहीं, मरने वाली नहीं, मैं इसके लिए अपना टाइम बर्बाद करने वाला नहीं। ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके अंदर। ये बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी समझ में आ चुकी है आपको कि आपको इस पर्सन के पीछे नहीं भागना है, आपको अपनी ज़िंदगी में अपने करियर के पीछे भागना है, अपने फैमिली के पीछे भागना है। सबसे पहले तो अपना करियर बनाओ, ठीक है। अगर आपका करियर, देखो आप करियर में माना कि सक्सेसफुल हो, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि डिवाइन आपको कह रही हैं, जो कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल के आई है, जो कि कह रही है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी में भी निकलो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी गुजरो, ठीक है। टैरो रीडिंग सीख लो, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आप एस्ट्रोलॉजी में ट्राई करो, आपका मन भी करता होगा कई बार एस्ट्रोलॉजी सीखने का, टैरो का रीडिंग सीखने का, न्यूमरोलॉजी सीखने का, इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा। तो जो इंटरेस्ट है वो करो, ठीक है, वो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वो करो, क्योंकि वो करोगे तभी आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, वरना आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। आप क्यों रोने धोने में अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या इसी दिन के लिए आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया? नहीं किया ना। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मेरा लड़का लड़की जो भी है बड़ा हो जाएगा तो वो किसी की याद में रोएगा, किसी के धोखे में रोएगा, नहीं ना। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, एंजल्स आपके प्रोटेक्शन में है। एंजल्स कह रही हैं कि तुम्हें ज़िंदगी दी गई है कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, तुम लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कार्ड्स बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में अब उतरने के लिए अपने आप को रेडी करो, क्योंकि यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप अपने आप को इस लॉजिक की दुनिया में उतारो, आप अपने आप को, अगर आपका इंटरेस्ट है टैरो कार्ड रीडिंग सीखना, ठीक है, या करना, या आपका इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी करना, ठीक है, न्यूमरोलॉजी सीखना, ठीक, तो आप उन सारी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपकी इनर हीलिंग होगी, वहीं से आपको पता चलेगा कि हीलिंग कैसे करते हैं और लोगों को मोटिवेट कैसे करते हैं, लोगों को नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कैसे करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो लेडी है वही काम करती है, वही काम करती है। ये लेडी कोई बुरी लेडी नहीं है, ये लेडी है अच्छी, ये अच्छी भी है और बुरी भी है। जैसे होती है ना कि एक एक औरत दुर्गा भी होती है और काली भी होती है, सरस्वती भी होती है ना। तो वही है कि एक औरत में बहुत सारे गुण होते हैं, ज़रूरत पड़ने पे वो अपने गुण दिखाती रहती है या रंग बदलती रहती है, क्योंकि ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वीक नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है, और यहाँ पे अपनी सेल्फ ग्रोथ को पहचानो, ठीक है। आप निगेटिव मत हो, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी। जिनको समझ में आ रही है कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखी है कि देखो आपको मूव ऑन करना, आपने जो डिसीज़न लिया है वो बेस्ट डिसीज़न है, नो डाउट।
आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, इससे अच्छा तो डिसीज़न और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर पे बैठते हो और स्पेशली आप फीमेल पर्सन हो, घर पे बैठे रहते हो, फ्रस्ट्रेट होते रहते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है फ्रस्ट्रेट होने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो है इस तरीके की चीज़ें करने के लिए। आप लोगों के लिए जो है मैंने फ्री जो है वेबिनार जो है लाया है, उसको आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, क्यों? आप लोग को फ्री की चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं? आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, फ्री में कल मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, बहुत उनका एक्सपीरियंस भी लिया, उनका एक्सपीरियंस भी जो है मेरे पास जो है रिकॉर्ड है। सो हर चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपके ज़िंदगी में वैल्यू रखती हैं। आप अपनी वैल्यू को पहचानो, घर पे मत बैठो, काम करो, ठीक है, अर्निंग करो। और जिसके पास पैसे होते हैं ना, समझो कि वो खुश होता है ज़रूरत के अनुसार से, उसकी ज़रूरतें सब पूरी होती हैं। भले उसकी लाइफ में ट्रू लव नहीं होता है वो अलग की बात है, लेकिन क्यों नहीं होता है और कैसे अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं। हम पहले पॉजिटिव होंगे तब हम दूसरों को पॉजिटिव करेंगे ना, है ना। तो पहले खुद पॉजिटिव हो, उसके बाद जो है आगे का सोचना, ठीक है। तो आ जाओ, फ्री वेबिनार है आज भी, शाम को 7 बजे हम करने वाले हैं फ्री वेबिनार। आप लोग आओ उसमें और कनेक्ट हो मुझसे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ आप सब। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।